मेरा नाम गुंजन गौर है। चलिए शुरुआत करते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ। रैली के दौरान इमरान खान पर हमला, गोली लगी, एक शख्स की मौत। इमरान खान को ही मारना चाहता था, बयान लीक पर एक्शन में पाक सरकार। थाने पर निकली खुन्नस, किम जोंग उनके बाप दादा से भी आगे, 10 महीने में दागी 40 मिसाइलें। पाकिस्तान में नई नहीं है खूनी सरकार। प्रधानमंत्री एलन मस्क इफेक्ट, ट्विटर में हाहाकार, एक मेल से छीना जाएगा रोजगार। आज से छटनी का दौर शुरू, शहबाज शरीफ ने चीनी राष्ट्रपति री जिनपिंग से की मुलाकात। CPEC योजनाओं पर की जेब ढीली करनी पड़ सकती है चीन को। अमेरिकी हाउस स्पीकर नेसी के पति को अस्पताल से मिली छुट्टी, हुआ था जानलेवा हमला। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को किया जा सकता है आतंकी संगठन घोषित, एक्शन के मोड में जर्मनी व यूरोपीय संघ। ईरान की राजधानी बगदाद में धमाका, 10 लोगों की मौत, 20 से ज़्यादा लोग घायल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 से पहले कतर की राजधानी दोहा में हज़ार श्रमिकों को अपने घर से निकाला। जर्मन चांसलर स्कोच तीन, इमरान खान ने 3 लोगों पर लगाया हत्या का कोशिश, शहबाज शरीफ उनमें से एक। पाकिस्तान में नहीं रुकेगा PTI का लॉन्ग मार्च, इमरान खान ने कहा। संयुक्त अरब अमीरात में मिला इस्लाम के उदय से पहले का ईसाई मठ, 1400 साल पुराना होने की संभावना। विदेश सचिव कोत्रा ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटरेस से की मुलाकात, हुई अहम मुद्दों पर चर्चा। इमरान खान पर जानलेवा हमला से भड़की जनता, पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ISI चीफ के खिलाफ प्रदर्शन। लंदन में स्टेशन पर फूल बेचते नजर आए PM ऋषि सुनक, हैरान रह गए लोग।